गवर्नमेंट इनकी जो ड्यूरेशन हो सकती है 14 डेज 91 डेज 182 डेज 364 डेज हो सकती है बट नावो डेज जो 14 डेज इसका ट्रेजरी बिल्स हैं वो गवर्नमेंट इशू नहीं करती हैं इन बिल्स को सेफ माना जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें इशू कर रही है और जर्नली जो बैंक्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंडस पेंशन फंडस रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन बिल्स को परचेज करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स ये बिल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू मैने इशू करती है अपनी टेम्परेरी जो कैश फ्लो है गवर्नमेंट का उसके मिसमैच को पूरा करने के लिए मिसमैच इन द सेंस कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है उसमें जो मिसमैच है उसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो कैश मैनेजमेंट बिल टेम्परेरी मिसमैच को पूरा करने के लिए इशू कर सकती है तो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इन बिल्स का वो सेम ट्रेजरी बिल्स की ही तरह होते हैं बस बट जो इनका मेचोरिटी पीरियड है वो लेस देन नाइनटी वन डेज होता है बाकी जो इनका टाइम पीरियड है अमाउंट है डेट ऑफ इशू है कैश मैनेजमेंट बिल का वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को जब भी टेम्प्रेरी कैश रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डिसाइड कर सकती है नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स ये लेस देन वन ईयर के होते हैं तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होते हैं जबकि जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं जिनके ऊपर फिक्स्ड या एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट पे करती है जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो फेस वैल्यू पे पे किया जाता है और पेबल होता है एट अ फिक्स टाइम पीरियड जो नॉर्मली हाफ ईयरली होता है जो टाइम uh, पीरियड हो सकता है डेटेड सिक्योरिटीज का वो अप टू फोर्टी ईयर्स हो सकता है नेक्स्ट है आपका सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स ये जो गवर्नमेंट uh, की सिक्योरिटीज होती हैं वो इन टर्म्स ऑफ गोल्ड होती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में आपको गोल्ड मिलेगा नहीं नहीं यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू होगी गोल्ड परचेज जो आप ओरिजिनली करते एट द टाइम ऑफ रिडम्पन वो आपको पे किया जाता है ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो आर बी आई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल सा अगर हम बात कहें कि जो सॉफरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको गोल्ड की कुछ यूनिट्स मिलती हैं वो आपको पेपर फॉर्म में आपके पास वो सिक्योरिटी होगी या वर्चुअल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो आपके पास सिक्योरिटी होगी और जब वो मेच्योर होगी तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर है जो मार्केट वैल्यू होगी गोल्ड जो उसने परचेज किया था ओरिजिनली वो मार्केट वैल्यू उसे एट द टाइम ऑफ रिडम्शन मिलेगी ये स्कीम ऑफर करती है आपको कि बजाय आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में लेने के आप सोवन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने में गोल्ड में वो परचेज कर सकता है इन बॉन्ड्स को और सेम टाइम पे वो इंटरेस्ट भी इसके ऊपर ऑन कर सकता है ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो इन द ऑफ मतलब किस उसमें इशू किए जाते हैं एक ग्राम ऑफ गोल्ड के डिनोमिनेशन में ये इशू किए जाते हैं या फिर उसके मल्टीपल्स में देन नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट डेवलपमेंट डेप्ट सिक्योरिटीज ये भी डेटेड डेप्ट सिक्योरिटीज होती हैं और ये ऑप्शन के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इनको इशू करती हैं ये सिमिलर होती हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है उनके सिमिलर होती हैं बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोन रेज करती है मार्केट से इनके थ्रू और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली फेस वैल्यू पे पेपल होता है और जो प्रिंसिपल है मेचोरिटी डेट पे आपको रिटर्न कर दिया जाता है तो ये थी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नेक्स्ट है हमारे पास इसके अलावा अदर सिक्योरिटीज कौन कौन सी है पहला हमारे पास आता है कमर्शियल पेपर्स जिसे हम सी कहते हैं जो कमर्शियल पेपर है वो एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कॉपरेट सेक्टर इशू करता है इन फॉर्म ऑफ फ्रॉम नोट जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है दैट इज अनसिक्योर्ड है ये ये जो इशू करती हैं कंपनीज ये वो कंपनीज इशू कर सकती हैं जिनकी जो नेटवर्थ है आट लीस्ट एट लीस्ट फाइव करोड़ रुपीस हो जो कमर्शियल पेपर्स हैं वो इन दी मल्टीपल्स ऑफ फाइव लाख रुपीस इशू किए जाते हैं जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो बिटवीन सेवन डेज टू वन ईयर तक का हो सकता है मतलब ये भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इश्यू डि एट अ डिस्काउंट किए जाते हैं ऑन द फेस वैल्यू और जो इन्वेस्टर है उसे फुल फेस वैल्यू मिलती है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी देन आता है हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जिसे हम सी कहते हैं ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है टू डिपोजिटर ऑफ फंड्स जो फंड्स हैं वो आप डिपॉजिट करते हो बैंक के पास एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बेयरर इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल है मार्केटेबल है इशू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं और बोथ बैंक और जो डिपॉजिटर हैं उनके लिए बेनिफिटेड है जो बैंक है उसे पेमेंट में प्री मेच्योर पेमेंट इसके ऊपर नहीं कर सकती लेकिन अगर डिपॉजिटर को प्री मेच्योर पेमेंट चाहिए प्री मेच्योर पैसा चाहिए उस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का तो वो उसे सेकेंडरी मार्केट में बिफोर मेच्योरिटी वो उसे बाय और सेल कर सकता है देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्फ्लेशन इंडेक्सड बॉन्ड ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इन्फ्लेशन का रेट जो है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है मतलब जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपको इन्फ्लेशन से महंगाई से प्रोटेक्ट करता है किस सेंस में कि सपोज़ आपके पास जो इन्फ्लेशन रेट है वो फाइव परसेंट चल रहा है तो अगर लिखा हुआ है इनके ऊपर लिखा होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स बोला हुआ है जैसे कि नियम से ही क्लियर है कि जैसे अगर सपोज़ इन्फ्लेशन रेट फाइव परसेंट है तो जो गवर्नमेंट है अगर वो कहती है कि हम आपको इन्फ्लेशन से दो परसेंट का स्प्रेड देंगे दो परसेंट के स्प्रेड का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन पाँच परसेंट है तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर वो सेवन मिलेगा दो परसेंट प्लस टू तो सेवन परसेंट मिलेगा अगर वो कहती है कि हमको हम आपको थ्री परसेंट स्प्रेड देंगे तो मतलब फाइव प्लस इन्फ्लेशन रेट फाइव हो गया प्लस थ्री परसेंट तो वो आपको एट परसेंट जो इंटरेस्ट है वो इसके ऊपर मिलेगा तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन एंड नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इक्विटी वारेंट्स इक्विटी वारंट्स क्या होते हैं जब आपको डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कोई इशू हो रहा है तो कई बार जो कंपनी है उसके साथ इक्विटी वारेंट जो है एक तरीके से प्रॉमसी नोट होता है आपका उसको वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अटैच करके आपको सेल कर सकती है तो ये जो वारंट होते हैं वो है क्या ये वारंट एक्चुअल में है क्या ये वारेंट इंटाइटल करते हैं कि जो भी होल्डर है वो परचेज जो भी होल्डर है वॉरेंट का या उस डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का जिसके साथ वॉरेंट अटैच है वो परचेज कर सकता है एक फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ डिटरमाइंड रेट पहले से जो रेट डिसाइड है उस रेट पर एट अ फ्यूचर डेट कि आग, 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 आग फ्यूचर डेट अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की सपोज अभी जो प्र, जो प्राइस आपके इक्विटी वॉरेंट में मेंशन है सपोज टेन रुपीस मेंशन है कि पर शेयर टेन रुपीस में आप खरीद सकते हो लेकिन फ्यूचर में अगर वो प्राइस जाकर टेन की बजाय ट्वेंटी हो जाता है तो लेकिन स्टिल ट्वेंटी हो जाता है तो स्टिल आप जो वो नंबर ऑफ शेयर्स है वो टेन रुपीस पर शेयर में खरीद सकते हैं तो एक तरीके से ये आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी दे रहा है होल्डर को इक्विटी वारंट्स की जो होल्डर है वो कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी वॉरस को शेयर्स में स्पेसिफाइड अमाउंट पे करके देन आता है आपका कॉलेबल बॉन्ड्स जो कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं वो कॉल ऑप्शंस के साथ इशू किए जाते हैं कॉल ऑप्शंस का मतलब क्या है कि जो ईश्वर है वो कभी भी उन बॉन्ड्स को मैचॉरिडी डी मेचोरिटी डेट से पहले रिडीम कर सकता है मतलब कि अगर ईश्वर है ईश्वर ने कॉलेबल बॉन्ड्स इशू किए हैं तो अगर उसे लगता है कि अब मेरे पास पैसा आ गया है अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है उसे पैसे की ज़रूरत थी तो उसने कॉलेबल बॉन्ड्स इशू कर दिए अब उसे लगता है कि नहीं मुझे ये बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते रहने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास अब पैसा है मैं इनको रिडीम करना चाहता हूँ तो मैं बिफोर मेचोरिटी डेट वो उनको रिडीम कर सकता है देन है आपका बॉन्ड्स विथ पुट ऑप्शन और पुटेबल बॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं ये बॉन्ड वो है जो अलाउ करता है बॉन्ड होल्डर को कि वो फोर्स कर सकता है इश्यूअर को कि वो सिक्योरिटी को रीपरचेस करे बिफोर मैच्योरिटी बट नॉट बिफोर लॉक इन पीरियड लॉकिंग पीरियड क्या होता है लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है और उसमें सपोज दिया हुआ है कि थ्री इयर्स का लॉक इन पीरियड है इसका मतलब है कि 3 इयर्स से पहले आप उस सिक्योरिटी को रिडीम नहीं कर पा सकते ठीक है थेके? उसे आप बेच नहीं सकते हो तो दे नेक्स्ट इज योर द परचेज प्राइस जो होता है इस uh, इस कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड्स का वो पहले से सेट uh, होता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी और नॉर्मली वो पार वैल्यू पे होता है तो जो बॉन्ड होता है बॉन्ड होल्डर होता है वो अपना पुट ऑप्शन जो है किसी भी टाइम पे एक्सरसाइज कर सकता है उसे बेनिफिट कब होगा जब जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है जबकि जो बॉन्ड्स हैं वो ओरिजिनली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू किए गए थे नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड ये जीरो कूपन बॉन्ड की फॉर्म में होता है इसे डीप डिस्काउंट जो फेस वैल्यू पे है इशू किया जाता है मतलब क्या है मेचॉरटी पीरियड जो होता है इस बॉन्ड का वो बड़ा होता है सपोज आपका बॉन्ड है एक लाख रुपए का लेकिन वो जब आपको इशू किया गया है तो वो आपको सिर्फ ट्वेंटी सेवन हंड्रेड में मिल रहा है और उसका मेचोरटी पीरियड जो है ट्वेंटी फाइव ईयरस है इसका मतलब इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट आपका क्या माना जाएगा क्या चीज़ आपकी इनकम मानी जाएगी इसमें कि वो आपको इशू हुआ था ट्वेंटी सेवन हंड्रेड रुपीज में लेकिन जब एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी मतलब ट्वेंटी फाइव स के बाद जो आपको पेमेंट की जाएगी वो वन लाख रुपीज की की जाएगी जो फेस वैल्यू थी उस बॉन्ड की तो उसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहा जाता है नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हम उन्हें कहते हैं जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है इन बॉन्ड्स का वो किसी बेंचमार्क रेट से लिंक होता है बेंचमार्क रेट क्या हो सकता है बैंक रेट हो सकता है रेपो रेट हो सकता है यील्ड ऑन ट्रेजरी बिल्स हो सकता है फ्लोटिंग रेट का जो है वो फिक्स होता है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन अबव द बेंच मार्क रेट मार्जिन अबव द बेंच मार्क रेट का यहाँ पे क्या मतलब है सपोज कि आपने बेंच मार्क जो लिया आपने लिया कि बैंक रेट जो है वो आपका बेंच मार्क है सपोज आप और मार्जिन आपने उसके ऊपर लिया टू परसेंट तो अगर आपका बैंक रेट चार परसेंट है अभी तो आपको टू तो परसेंट मार्जिन लिया तो आपने छः परसेंट आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा सपोज जो बैंक रेट है वो आगे जाके चार परसेंट से तीन परसेंट हो जाता है तो टू का मार्जिन हो गया तो थ्री प्लस टू फाइव परसेंट आपको जो इंटरेस्ट है वो रेट है जो वो मिलेगा ये अब इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता है जो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन दी बेंच रेट तो उसे हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स कहते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड्स ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो हाईली लिक्विड बॉन्ड्स होते हैं और बहुत सेफ होते हैं इन बॉन्ड्स को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में और इसीलिए इनकी जो मार्केटेबिबिलिटी मार्केटेबिलिटी होती है वो भी अच्छी होती है जर्नली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गया इन्हें कैश इक्विवेलेंट बॉन्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है नेक्स्ट इज योर जीरो कूपन बॉन्ड्स जीरो कूपन बॉन्ड्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है ये बॉन्ड्स जो इशू किए जाते हैं इशोर के थ्रू वो एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू किए जाते हैं सेम जो हमने डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड किया डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड भी आपका एक टाइप का जीरो कूपन बॉन्ड है नेक्स्ट आता है आपका रेगुलर इनकम बॉन्ड्स रेगुल रेगुलर इनकम बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर जो इंटरेस्ट है नॉर्मली आपको पेबल हाफ ईयरली किया जाता है और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए आपको ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं जो इंटरेस्ट है प्रेडरमाइंड रेट पे इशू किया जाता है जो रिटायरमेंट बॉन्ड है वो इसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको रेगुलर इनकम मिलती है देन नेक्स्ट इज योर स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बॉन्ड जो होते हैं ये बॉन्ड्स लिंक होते हैं जो भी आपका इंडेक्सट है जिससे आपने इसको लिंक किया है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है सेंसेटिव इंडेक्स जिसे हम कहते हैं सेंसेक्स या फिर निफ्टी का हो सकता है इंडेक्स आपका एन का तो ये जो बॉन्ड्स हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है या इंटरेस्ट है या दोनों ही लिंक किए जाते हैं इन द मूवमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट इंक्री सेंसेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा इंक्रीज मिलेगा डिक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट डिक्रीज मिलेगा नेक्स्ट आता है टैक्स सेविंग्स बॉन्ड टैक्स सेविंग्स बॉन्ड्स ये बॉन्ड्स आपको अलाउ करते हैं टैक्स को सेव करने के लिए इन्वेस्टर इन बॉन्ड्स को बाय करता है एज अ टैक्स सेविंग टूल जो आर सेविंग बॉन्ड है वो एक एग्जाम्पल है टैक्स सेविंग बॉन्ड का देन आता है आपका हाइब्रिड सिक्योरिटी ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच